जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी में 3 साल आम नागरिक की जो भर्ती है उसको लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत दिनों से छात्र इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनका जो इंतजार है वो दोस्तों खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है इच्छुक उम्मीदवार आधारित अधिसूचना www.joinindianarmy.nic.in पर जारी होने के बाद आगामी TOD भर्ती आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आउट होने वाला है और यहां पर आप दोस्तों सितंबर में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बेहद ही बड़ी खबर आ चुकी है, आपका जो इंतजार आखिरकार दोस्तों खत्म हो चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ जो आपके मन में चल रहा है। भाई यहाँ पर आपकी एज को लेकर, आपकी लंबाई को लेकर, दोस्तों यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर सारी बात मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ और आप कैसे कैसे इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों क्या दोस्तों यहाँ पर आपको गुजरना पड़ेगा, सारी भर्ती में आपको क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। अगर आप वाकई दोस्तों इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं और आप वाकई इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में दोस्तों कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो भाई वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन भाई आपका कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाता है। अगर आपको वीडियो बेकार लगता है तो डिसलाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको दोस्तों इसमें क्या अच्छा लगा। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों आप ही का चैनल है और आप इसको इतने ऊपर तक लेकर आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर पहुंचिए, हमारा चैनल आपके लिए बहुत मेहनत करता है। तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा है टीयर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी TOD भर्ती 2020। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है इंडियन आर्मी इंडियन 3 ईयर टीयर ऑफ ड्यूटी, यानी कि दोस्तों इसमें क्या क्या आपकी योग्यता मांगी गई है वो दोस्तों मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए इस योजना में उन युवाओं को लाभ होगा जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवा स्थायी करियर बने, यानी कि दोस्तों वो नहीं चाहते कि हम लगातार सेना भर्ती हो, वो दोस्तों जॉब बदलना चाहते हैं। लगातार 3 साल दोस्तों आर्मी भर्ती कर ली, 3 साल पुलिस में भर्ती कर ली, 3 साल इंजीनियर, 3 साल कुछ ऐसे प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए दोस्तों ये बेस्ट जॉब यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा नीचे चलते हैं और आपको इसके बारे में पूरी विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों बात कर लें सैलरी की, तो सैलरी सुनकर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। देखिए यहाँ लिखा है सेना के अनुसार एक टीयर ऑफ ड्यूटी अधिकारी प्रति माह 80 से 90 हज़ार रुपये कमाएगा। तो मेरे भाई देखिए इसमें आपको और क्या चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये होने वाली है। कोई भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कभी फेक है, बिल्कुल मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, ऑफिशियल वेबसाइट और यहीं पर ही लिखा गया है। ये दोस्तों जो सैलरी है ये एक अधिकारी की सैलरी है, यानी कि एक अधिकारी हाई रैंक के ऑफिसर है जो दोस्तों यहाँ पर ग्रेजुएट पास होकर सेना में भर्ती होंगे उनके लिए यहाँ पर सैलरी होने वाली है। बात करें दोस्तों 10th और 12th पास वाले सेल की तो उनकी सैलरी नीचे दी गई है। देखिए सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो भाई शैक्षिक योग्यता भी अब यहाँ पर रिसीव हो चुकी है, 10वीं पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सोल्जर टेक्निकल 12वीं पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिकारी जो है इसके स्नातक पास है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए उम्र को लेकर आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें हमारी एज क्या रहेगी, तो एज भी अब आपके सामने खुल चुकी है। देखिए 17 से 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और अधिकारी के लिए आपकी जो एज है यानी ऑफिसर के लिए वो 21 से 34 यानी 21 से 34 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और कुछ शर्तों में आपको 30 वर्ष तक की आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो SC और ST के जो विद्यार्थी रहेंगे उनको कुछ यहाँ पर छूट दी जाएगी चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करती हो। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक जरूर कर दीजिए मेरे भाई, लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा भाई आपकी जो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, उम्मीदवार को वैवाहिक स्थिति अहवाई होना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है तो भाई आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते, देखिए अहवाई होना आपको बेहद ही जरूरी है। और चयन प्रक्रिया देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या है, शारीरिक परीक्षण है, चिकित्सा जांच है और लिखित परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपका दोस्तों मेडिकल कराया यहाँ पर, सॉरी आपका दोस्तों यहाँ पर शारीरिक परीक्षण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों सैलरी की बात करें तो सोल्जर पोस्ट के लिए यानी जो 10th पास है उनकी सैलरी यहाँ पर देखिए अच्छी खासी सैलरी होने वाली है, 30 से 40 हज़ार रुपये उनकी मंथली सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। और देखिए ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर सैलरी है वो 80 से 90 हज़ार रुपये यहाँ पर होने वाली है।
तो देखिए अब आप इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो थोड़ा नीचे चलता हूँ और यहाँ पर आपको जो आवश्यक जानकारी है वो दे देता हूँ। देखिए आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर 5 चरण दिए जाएंगे और वहाँ तक आप पहुँचने के बाद इसको फॉर्म को सबमिट करेंगे और वहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। तो जरूर लेकर आऊँगा यहाँ पर जब इसके फॉर्म अप्लाई भरेंगे उसके लेकर मैं आपको जरूर बताऊँगा कि भाई आप कैसे कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि भाई आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको दे देता हूँ सारी जो जानकारी पूरे विस्तार से आप देख लीजिए। सफलतापूर्वक आपका पंजीकरण हो जाएगा। बस दोस्तों आपको 6 जो यहाँ पर चरण है वो सबमिट करने पड़ेंगे और आपका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जब भी इसके नोटिफिकेशन आएगा तब आपको मैं अपडेट कर दूंगा, जब आपके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।